नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण नाना, और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स में कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो किसी मास्टर के अकाउंट की ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, और कई बार लोग एग्जैक्ट लॉट को कॉपी करना चाहते हैं, कई बार लॉट क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, कई बार उनके जैसी ट्रेड करना चाहते हैं, कई बार उनसे रिवर्स ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आप भी कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी यूज़र के अकाउंट की ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, या अपनी ही ट्रेड्स को बाकी के अपने और मल्टीपल अकाउंट्स में डालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको लाइव कॉपी ट्रेडिंग दिखाऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि किस तरीके से कॉपी ट्रेडिंग का सेटअप करते हैं और किस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में और साथ ही साथ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग से रिलेटेड एडवाइसेस मिलती हैं। तो वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैं आशा करूँगा कि आप बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखें, ताकि पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ पाए और आपकी ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल और ईजी हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये जो मैंने खोल रखे हैं 4 MT4 के चार्ट्स। आप बोलोगे कि प्रवीण ने दुकान खोल रखी है MT4 की, तो देखो ऐसा नहीं है। इसमें एक अकाउंट हमारा ऐसा है जो मास्टर अकाउंट है, और बाकी के स्लेव्स अकाउंट हैं। यानी कि जो ट्रेड हम एक अकाउंट में डालेंगे, वो ट्रेड हमारे सारे अकाउंट्स में डल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड प्लेस करके बताता हूँ, और उसके बाद फिर इसके अलग अलग फीचर्स और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, वो उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक ट्रेड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंबल है यूरो यूएसडी का, इसमें मैं ट्रेड लगा रहा हूँ। जैसे मैं बाय का बटन को प्रेस करूँगा, आप देखना सारे अकाउंट्स में बाय का एक एक ट्रेड दिखेगा। ये देखिए मैंने एक ट्रेड मारा, अभी आप देख सकते हैं वो इस अकाउंट में भी है, इस अकाउंट में भी है, तीसरे वाले में भी है, और चौथे वाले में भी है। अब इन सारे अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बाय का क्वांटिटी है 0.10, और इस वाले में है 0.1। इससे नीचे वाले अकाउंट में जाओगे यहाँ है 0.2, और इससे नीचे वाले अकाउंट में जाओगे यहाँ है पूरी बराबर 0.10। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ में सारे अकाउंट्स में ट्रेड हुआ है। जिसने जितनी क्वांटिटी लगाया उसका उस हिसाब से ट्रेड हुआ, लेकिन सिंबल सबका सेम था। अब मान लीजिए मैं मास्टर के अकाउंट से ट्रेड को काटता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है। मैं जैसे क्रॉस प्रेस करूँगा, ट्रेड आप देखेंगे सारे के सारे अकाउंट से गायब हो चुकी है। अभी कोई ट्रेड सारे अकाउंट्स में नहीं है, देख सकते हैं आप चारों के चारों अकाउंट्स में से ट्रेड गायब हो चुकी है। मान लीजिए अब सेल का प्रेस करेंगे, तो ये सेल का बटन प्रेस किया, अब देखोगे यहाँ पे सेल आ गया, यहाँ पे भी सेल आ गया। ऊपर नीचे वाले दोनों जो MT4 हैं उनमें आपका क्वांटिटी बराबर गया है, बाकी इधर वाले में 0.01 गया है, और नीचे वाले में 0.02 गया। आप मान लीजिए इसके बाद सेम ट्रेड्स 2-3 बार मारनी है। बाय मारा यहाँ पे अपने, फिर से बाय किया, फिर से बाय किया, फिर से बाय किया, अब ये चार हमने बाय कर लिए यहाँ पे एक साथ। तो सारे अकाउंट्स में इसी तरीके से ट्रेड गया है, सारे एक साथ बाय गए हैं। अब अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता है और सारे हमारे प्रॉफिट में आते हैं और हमें काटने हैं, तो हम वन बाय वन सारे ट्रेड्स को काट सकते हैं, और जैसे ही हम सारे ट्रेड्स काटेंगे वो सारे के सारे अकाउंट्स से कटता जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर $1 का प्रॉफिट आ रहा है, अभी मैं सारे ट्रेड्स काटता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारी मैंने ट्रेड्स काट दी, एक ट्रेड बची हुई है, इसको भी काटने हैं, उसको भी काट देंगे। वे सारे ट्रेड कट गए, सारे के सारे अकाउंट में सेम ट्रेड जा रहा है जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये तो था डेमोन्स्ट्रेशन कि आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे होगा। अब मैं आपको इसके प्रॉपर प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये है दोस्तों मास्टर अकाउंट, यानी कि इसमें हमने सर्वर वाला इंडिकेटर ईए, सॉरी सर्वर का ईए डाला है। दूसरा जो होता है वो होता है स्लेव वाला, स्लेव वाला यानी कि क्लाइंट वाला। तो अब हमने इनको मास्टर और स्लेव की जगह सर्वर और क्लाइंट का नाम दिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं नेविगेटर विंडो में दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको सर्वर के नाम से ईए दिख रहा है, यानी कि ये मास्टर ईए है, यानी कि मेन है। जिस अकाउंट से ट्रेड कॉपी करनी है उस अकाउंट में ये वाला डालना है। उसके अलावा जो बाकी के अकाउंट हैं उनमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनमें आपके स्लेव वाला डला होगा।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर क्लाइंट वाला डला है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके प्रोसेस को समझते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना होता है, जो आपका इसमें हमने एक सर्वर बनाया है। ठीक है, सर्वर बनाने के लिए आपको नोड का एक सर्वर इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर गूगल में और आपको लिखना है नोड सर्वर इंस्टॉल। ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर नोड का एक वेबसाइट आएगा, ये आ गया डाउनलोड नोड। यहाँ पर जो भी जिस भी आपका कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है, जैसे 32 बिट है या 62 बिट है, उसके हिसाब से एक इंस्टॉल कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं 32 बिट को इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 32 बिट दिखा रहा है, इसको शो इन फोल्डर करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है वर्जन 18 का। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया हमने, अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। नेक्स्ट किया, अभी मुझसे पूछ रहा है कि चेंज करना है रिपेयर करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट कर दूंगा, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिनिश हो जाएगा। बस इस सॉफ्टवेयर को इसको इसको इंस्टॉल करना है हमें। उसके बाद जो हमारे पास सर्वर की और क्लाइंट की फाइलें होंगी, तो हमें जो सर्वर फाइल डालनी है वो हमें मेन में डालनी है, जिसमें कि हमें ट्रेड दूसरों को भेजना है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कि ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लोकल मशीन का है, मतलब कि ये सर्वर टू सर्वर नहीं है, ये लोकल मशीन का है। यानी कि आपकी मशीन से दूसरी मशीन पे नहीं जाएगा, सेम मशीन पे जितने भी आप MT4 खोल के रखोगे उनमें ट्रेड होगा। ठीक है, तो नोड इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, हमारे पास जो फाइल्स मिलेंगी ना, जैसे अगर मैं आपको फाइल्स दिखाऊँ तो इसमें हमारे पास यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, और हम आपको जो फाइल्स देंगे ना उसमें सर्वर की फाइल होंगी और क्लाइंट की फाइल होंगी। तो सबसे पहले आपको MQL4 में एक्सपर्ट पे जाना है और जो सर्वर वाला फोल्डर है वो यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सर्वर ये करके आएगा, इसके अंदर कुछ फाइलें होती हैं, जैसे ये server.js है और यहाँ पर कनेक्शन की फाइल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सर्वर में जाके ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है CMD। ठीक है, CMD लिख के आपको एंटर मारना है। एंटर मारने से ऐसा खुलेगा, इस पर आपको लिखना है NODE नोड, स्पेस देकर लिखना है server.js। ठीक है, ये लिखने से ऐसा आ जाएगा। अब इसको दोस्तों बंद नहीं करना, हमने इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, ये मिनिमाइज़ हो गया। अब ये मिनिमाइज़ होने के बाद ये हो गया क्लोज़, हमने क्लोज़ कर दिया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि टोटल कनेक्शंस जो हैं वो 4 हैं, एक हमारा मास्टर और 3 हमारे यूज़र के, तो ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं। अभी हमें क्या करना होगा, जो अभी तो ये 4 नहीं आएंगे, आपको 1 ही दिखाई देगा जब आप इसको पहली बार इंस्टॉल करोगे। तो उसके बाद जब हम EA को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ना, तो EA को इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टूल्स में जाना होगा MT4 के, और ऑप्शंस में जाना होगा। चाहे मास्टर का अकाउंट हो चाहे स्लेव का अकाउंट हो, हमें सब में ये दोनों चीज़ों को टिक लगा के ही रखना है। अगर टिक नहीं लगाओगे तो ट्रेड नहीं होगा, ये टिक लगा के रखना है और ओके करना है। ठीक है, तो स्लेव के अकाउंट में पहले ये करना है कि MT4 इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके अलाउ DLL कर लेना है और यहाँ पर अलाउ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कर लेना है। ठीक है, इसको करने से यहाँ पे जो स्माइल ये आपको दिख रहा है ना, ये स्माइल करता हुआ दिखेगा। अगर ये बंद होगी ना तो स्माइल करता नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं ऑटो ट्रेडिंग बंद करूँ तो आप देखोगे अब ये स्माइल करता नहीं दिख रहा। तो देखो अब जब मैंने यहाँ पे से इसको रिमूव कर दिया ना, अब ये टोटल कनेक्शन 3 दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं दोबारा से बाकी सब में से रिमूव कर देता हूँ, मैं वन बाय वन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसमें से भी मैं रिमूव कर देता हूँ, एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ में गए, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर जाके देखोगे टोटल कनेक्शन 2 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से जब आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्वान्टिटी डालने का ऑप्शन है। ठीक है, क्वान्टिटी डाल सकते हो जितना जितना डालना है, और अगर आप इसको 0 रखोगे तो जितना आपके मास्टर का क्वांटिटी आएगा सेम क्वांटिटी आपके अकाउंट में जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी डाल देंगे तो वो क्वांटिटी आपकी, जो आप क्वांटिटी डालेंगे वो क्वांटिटी जाएगी। ठीक है, ये हो गया, अब ये स्माइली आ गया। अब यहाँ पर अगर हम सर्वर में जाकर देखेंगे, अब हमारे कनेक्टेड 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ अकाउंट जो था हमारा, ये वाला हमारा फोर्थ अकाउंट था, इसमें भी हम EA को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो इस पर भी स्माइली आ रहा है। अब यहाँ पे कनेक्शन में 4 आ रहा है। ठीक है, अब चारों कनेक्टेड हैं। ये वाली जो फाइल हमारी सर्वर की खुली है ये हमेशा मिनिमाइज रहनी चाहिए। दूसरा, ये लोकल मशीन टू मशीन सर्वर है,
सर्वर टू सर्वर नहीं है, यानी कि एक ही मशीन पे सारे MT4 लॉगिन होंगे तभी ये काम करेगा। अगर अलग अलग मशीन्स में है तो काम नहीं करेगा, उसके लिए सर्वर वाला बनता है, वो कस्टम डेवलपमेंट पे बनाना पड़ता है, वो बना के हम दे देते हैं। ये वाला भी हम आपको दे सकते हैं अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग यूज़ करनी है तो। ठीक है, एक बार दोबारा से दोस्तों भी मैंने सारे सेटअप किए हैं, दोबारा से मैं आपको ट्रेड लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चार चारों के चारों खोल दिए, अब दोबारा से मैं ट्रेड, चलो दूसरे सिंबल में ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे ये वाले सिंबल में ट्रेड लगाते हैं, USDCAD। ठीक है, इसमें ट्रेड लगाते हैं, बाय प्लेस किया, आप देख सकते हो सारे अकाउंट में USDCAD प्लेस हो गया। अगर मुझे क्लोज करना है तो सारे अकाउंट को क्लोज करो। ठीक है, तो ये था दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। मैं एक बार फिर से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है। जब आपको हम फाइल देंगे तो आपको इस तरीके से एक ट्रेड कॉपियर का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में दो अलग अलग फोल्डर्स होंगे। ठीक है, एक फोल्डर में क्लाइंट ईए होगा, एक फोल्डर में सर्वर ईए होगा। तो जो सर्वर ईए वाला फोल्डर है वो हमें MT4 में एक्सपर्ट के अंदर जाके डालना है, मेन वाले में जिसमें हमें कॉपी करवाना है, और ये क्लाइंट वाला उन पे डालना है जिसके अकाउंट में कॉपी होगा। ठीक है, ये भी एक्सपर्ट में जाके डालना है, और डालने के बाद हमको क्या करना है, जितने भी अकाउंट है हमारे, चाहे मास्टर का स्लेव का, टूल्स पे जाके हमको ऑप्शंस पे जाके अलाउ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और अलाउ DLL इंपोर्ट, इन दोनों को ऑन करना है। बस उसके बाद आप कोई भी मास्टर अकाउंट में ट्रेड डालेंगे वो ट्रेड हो जाएगा। और यही नहीं, आप चाहें तो इस मास्टर अकाउंट में आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र अलग से ईए भी चला सकते हो किसी दूसरे सिंबल पे, जैसे ही ईए चलाओगे वैसे ही आपका ट्रेड वो सारे के सारे अकाउंट्स में जाने लगेगा। बहुत सारे लोग ट्रेड कॉपियर का यूज़ करते हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास ट्रेड कॉपियर के लिए, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र पे दोनों दे दिए जाएंगे, आपको अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए तो एग्जीक्यूटेबल दी जाएगी, सोर्स कोड के साथ चाहिए तो सोर्स कोड के साथ दी जाएगी। दोनों के अलग अलग प्राइसिंग है, प्राइसिंग जानने के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।